अच्छा यहाँ पर ना बारिश आई है और आप देख सकते हैं ये पानी और चरिंद परिंद की जो आवाजें आपको आ रही हैं, ये कैसा महसूस हो रहा है? तो मैं इस वक्त हूँ बांस के खेत में, बहुत बड़ा जंगल है, जबकि मैं अभी शुरुआती जगह पर ही हूँ। आगे जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है क्योंकि कोई जानवर भी हो सकता है। जानवर क्या होगा, गीदड़, उसके बाद वो जो जिसे बारला कहते हैं, इसका टूर मैं आपको कराऊंगा बाद में। अभी मेरे साथ दो मेहमान हैं, इनकी मुलाकात मैं आपसे करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। कितना का अच्छा महसूस हो रहा है? बहुत ही खुशदिल जगह है। आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ पे? नहीं, नहीं, नहीं। जैसे आप वीराने में जंगल में खड़े हुए हैं, कोई डर नहीं? पक्की बात है, इतना खूबसूरत माहौल है। देखिए इनको डर नहीं लग रहा, अच्छी बात है, डर नहीं लग रहा। तो ये परिंदों के जो है बहुत ही ज़बरदस्त ठिकाना है, जबकि इधर चिड़िया बोल रही है, वाह क्या बात है। यहाँ पर कौवे और शार्कें जिनको लालियाँ बोलते हैं, ये तो इनका ठिकाना होगा ही होगा पक्का। वो यहाँ पर किसी का जानवर शायद मरा था और उसको यहाँ फेंक गए थे, तो उसका जो है ना कंकाल जिसे कहते हैं पड़ा हुआ है, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखाने वाला। तो जंगल आप देख सकते हैं, ऐसा ना हो कि हमारा बाइक कोई बहर से उड़ा कर ले जाए। वाओ, ये जवान सेल्फियां खींचते हुए चले जी। चलो जी, तो चलिए आप आगे चले। हम जा रहे हैं वापस, स्टैंड पकड़ा। अच्छा ये जो पानी है ना, यहाँ पर हमारे मेहमान ने बहुत ही अच्छी स्लिपिंग की, यहाँ से जंप किया और गिर गया। तब मैंने कैमरा स्टार्ट किया नहीं था, नहीं तो आपको वो सीन जरूर दिखाता। किस्मत अच्छी थी बच्चे की, यकीन माने ये कैमरे का रिजल्ट इतना बेहतर नहीं, जिसकी वजह से ना जंगल इतना मज़ेदार नहीं लग रहा। ये देखें जो नज़ारा मेरी आंखें देख रही हैं, शायद कि वो आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कभी तो लेंगे मोबाइल अपना हैं, तो चलो चलते हैं। ये मेरा मोटरसाइकिल है और ये जवान दहर निकले हुए हैं, और जब किस तरफ कौवे और ये एक रनर आया है, इसको हम नहीं दिखाएंगे। नहीं नहीं उड़ेंगे। बाय द वे नज़ारे तो बहुत ही अच्छे हैं, ये देखें आप।